हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एंजल वन एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से चेंज कर सकती हैं, या फिर आपको दूसरा ऐड करना है तो आप किस तरीके से कर सकती हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट को रिमूव कैसे करती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा तो दूसरी चीज़ आपको ऑटोमेटिक पता चली जाएगी। तो दोस्तों डेमो देख लीजिए आप। अरे मोइन खान, हेलो। हाँ मोइन जी बोलो। बैंक अकाउंट चेंज करना है एंजल वन में है। आप कैसे करोगे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। आप कर लेना, ऐप से कर लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ तो देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। सबसे पहले आप एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन करो। कर लिया, रुक जाओ मैं भी कर लेता हूँ। हाँ अब देखो इधर ये आप अकाउंट पर नीचे की साइड क्लिक करो। कर दिया, ऊपर लिखा है योर अकाउंट, उसके बगल में लिखा है रेफर एंड अर्न, फिर प्रोफाइल लगी होगी आपकी तो फ़ोटो आ रहा होगा, नहीं तो मोइन खान आपका नाम है तो एम के लिखा होगा प्रोफाइल पे, ठीक है। हाँ तो उस पर क्लिक करो। अब इधर आपकी प्रोफाइल पूरी जानकारी शो होने लगी होगी, है ना। अच्छा हो रही है। हाँ तो इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओ। नीचे देखो लिखा है बैंक डिटेल्स। हाँ उसके नीचे आपका बैंक अकाउंट आ रहा होगा जो पहले आपने ऐड किया है। अच्छा अब आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है ना, तो ऑप्शन आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, क्लिक करो उस पर। अब क्या आ रहा है? अच्छा तो देखो वहाँ पर लिखा होगा योर बैंक रजिस्टर्ड विथ अस। हाँ उसके सामने पैन का सिंबल आ रहा है, आप उस पर क्लिक करो। हाँ अब उधर बैंक डिटेल भरने के लिए वो आ गया होगा, है ना, ऑप्शन सारे आ गए होंगे। हाँ तो उनमें आप अपनी बैंक डिटेल डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको सबमिट कर देना और कंटिन्यू कर देना। हाँ सिंपल सा यही प्रोसेस है। ऐसा करने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा और बैंक डिटेल में आपको शो होने लगेगा। फिर जो राइट लगा है ना अभी आपका, हाँ तो उस बैंक पे से उठा के राइट को तुम लगा देना नीचे, जो आपका न्यू बैंक अकाउंट होगा उस पे। हाँ और जब दो बैंक अकाउंट ऐड हो जाएंगे ना, तो फिर एक बैंक अकाउंट को रिमूव करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। हाँ ठीक है तो कर लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है अभी आप इस प्रोसेस को करके देखो, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, हाँ ठीक है।